5 मई 2023 को लगे चंद्रग्रहण के बाद आने वाले अगले चंद्रग्रहण तक इन 6 राशि वालों के ऊपर शनि देव जी लुटाएंगे धन। न केवल इन 6 राशि वालों को मिलेंगी अपार खुशियां, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। क्या इन 6 राशियों में आपकी भी राशि है? दोस्तों, 5 मई 2023 को चंद्रग्रहण शुक्रवार के दिन लगा था। यह रात में 8:44 पर शुरू हुआ था। इसका समापन रात में 1:02 पर हुआ था। जब यह चंद्रग्रहण खत्म हुआ था तब दिन लग चुका था शनिवार, जिसका मतलब आने वाले अगले चंद्रग्रहण तक आपकी राशि के जो स्वामी होंगे वो शनिदेव जी होंगे। अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए और ग्रहों की चाल पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि चंद्रदेव जी ने अपने राशि में परिवर्तन किया है और शनि का गोचर हुआ है। शनि के गोचर होने से 12 में से 6 राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि इनको शनि देव जी की वो कृपा मिलने जा रही है जिसके बाद आने वाले अगले चंद्रग्रहण तक इनके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। न केवल इनको अब धन की प्राप्ति होगी, बल्कि इनके भाग्य का इस प्रकार से इनको साथ मिलेगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। इनके जीवन के हर दुख से तो इनको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, जीवन में चल रही कर्ज की परेशानी भी अब खत्म हो जाएगी। इन 6 राशि वालों को इनके भाग्य में संपत्ति, वाहन, सोना खरीदने के सारे योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में शनिदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि आपको इस तरीके की परेशानी से जीत मिल जाएगी। इन 6 राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा एवं बताया जा रहा है कि विदेशी यात्रा पर जाने के भी सारे योग बन रहे हैं। इस चंद्रग्रहण के खत्म होने के बाद इनको अब शनि देव जी की वो कृपा मिलने जा रही है जिसके बाद इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपकी भी राशि इन 6 राशियों में आती है तो यकीन मानिए शनि देव जी का वो आशीर्वाद अब आपको मिलने जा रहा है जिसके बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, शनि देव जी की कृपा जिस भी व्यक्ति को मिल जाती है उस व्यक्ति के जीवन में उसका साक्षात्काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर शनि देव जी किसी भी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं या शनि देव जी की गलत दृष्टि किसी राशि पर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में वो कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अगर इन 6 राशि वालों के बारे में आपको बताएं तो एक बात को ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र की माने तो बताया जा रहा है कि अगले चंद्रग्रहण तक आपके जीवन में आपको शनि देव जी की वो कृपा मिलेगी कि आप अपने जीवन में तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अगर आपने जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे शनिदेव जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो मान के चलिए आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो भाग्यशाली 6 राशियां कौन सी हैं जिनको शनिदेव जी की कृपा मिलने जा रही है और प्रत्येक शनिवार को आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके राशि के अनुसार आपको शनि देव जी की कृपा प्राप्त होती रहे और ऐसी कौन सी गलतियां हैं अब आपको अगले चंद्रग्रहण तक करने से बचना चाहिए और शनि देव जी का आपको क्रोधित रूप ना देखने को मिले। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, शनि देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, शनि देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय शनिदेव जी की। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शनिदेव जी हैं उनका जिसको भी आशीर्वाद मिला है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि ज्योतिष वैदिक पढ़ाई में माना गया है कि शनि देव जी के जो ग्रह होता है यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। माना जाता है कि शनि गोचर से 12 में से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको इनके भाग्य के साथ मिलता है और 12 में से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ जाता है। माना जाता है दोस्तों, जिस राशि पर शनि देव जी की कृपा बन जाती है उस व्यक्ति की किस्मत पूरी तरह से चमक जाती है। माना यही गया है कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अगर 7.5 चल रही है तो उस व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के लोग 7.5 जैसी दोषों से बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में आपकी 7.5 चल रही है, 8.5 चल रही है, तो इसके कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनको अपना करके आप इन तरीके के दोषों से बच सकते हैं। आप लोगों को इन तरीके की बातों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका उत्तर हमारे धर्मशास्त्र में दिया हुआ है। अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस चंद्रग्रहण के बाद और आने वाले अगले चंद्रग्रहण तक वो 6 भाग्यशाली राशियां कौन सी होंगी जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है और आपको आपकी राशि के अनुसार ऐसे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको ना केवल आपके भाग्य का साथ मिले बल्कि शनि देव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसीलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, अंत तक, और आप देखिएगा क्या आपकी राशि भी इन राशियों में आती है। लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसको शनि देव जी की अपार खुशियां मिलने जा रही है, अपार कृपा प्राप्त होने जा रही है, वो कौन सी है? तो सबसे पहली जो राशि का नाम निकल कर आ रहा है वो है कन्या राशि। बताया जा रहा है इस चंद्रग्रहण के बाद
आपको शनि देव जी की वो कृपा प्राप्त हो रही है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। संतान प्राप्ति के भी पूरे योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जहां पर आपको जीत हासिल होगी वहीं पर आपके जो विरोधी दुश्मन होंगे वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो होगा ही होगा। व्यापार में अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको भौतिक सुखों की इस तरीके की प्राप्ति होगी कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। नौकरी अगर आप कर रहे थे तो नौकरी में प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नई नौकरी की तैयारी कर रहे थे उस नौकरी की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपके जीवन में आप यह देखेंगे कि शनि देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में पिछले समय से जो लगातार कष्ट से घिरे हुए थे, दुविधाओं में झेल रहे थे, उन प्रकार की परेशानियों से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। शनि देव जी की असीम कृपा बन रही है अब कन्या राशि वालों पर। अब कन्या राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि शनि देव जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, तो आपको बहुत ध्यान से हम बता रहे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रत्येक शनिवार को, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रत्येक शनिवार को सुबह नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल अर्पित करना है और वहां पर सात परिक्रमा लगानी है। अगर प्रत्येक शनिवार को आप यह करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपको शनिदेव जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद न केवल आपके ग्रह आपका साथ देंगे बल्कि आपके राहु केतु हमेशा आपके साथ रहेंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी खुश नसीब राशि है दोस्तों तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो बताया जा रहा है कि आपके शनि ग्रह जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बताया जा रहा है कि चंद्र के गोचर से और शनि देव जी के आशीर्वाद से अनेक प्रकार की आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। न केवल आपके व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में आपके पिछले समय से जीवन साथी से बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे थे, वो मतभेद अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपके घर की जो बरकत और उन्नति रुकी हुई थी वो बरकत और उन्नति भी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की प्राप्त करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी शनि मंदिर में जाइए। किसी भी शनि मंदिर जाने के बाद वहाँ पर बस एक सरसों के तेल का दीपक शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद अगर आप जला देते हैं, इससे शनिदेव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरी खुश नसीब राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली साबित होगा। ना केवल आपको नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होगी बल्कि आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि अब आप लोगों के इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाहन भी खरीद आप सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान अगर आप लोग कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं तो शनिदेव जी की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन काल में जो आप लोग सफलता के लिए परेशान हो गए थे वो सफलता अब आपकी हो जाएगी। आपके जीवन में आपका पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, वो अटका हुआ पैसा आराम से आपको वापस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, प्रत्येक शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान मंदिर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है और प्रत्येक शनिवार को यह उपाय अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर आपको शनिदेव जी के साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपका मंगल बड़ा मजबूत हो जाएगा। अगली राशि है जो दोस्तों वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण के बाद का समय एक ऐसा समय होगा जब आपको शनि देव जी की वो कृपा प्राप्त होगी कि आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान की तो प्राप्ति होगी होगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके जीवन में आपको बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आप लोग सचेत रहें। आपके स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शनिवार को सुबह नहाने धोने के बाद किसी भी कड़ी के पेड़ को आप लोगों को एक लोटा जल देना होगा। अब आप लोग सोचेंगे कड़ी के पेड़ को ही क्यों, तो दोस्तों जो कड़ी का पेड़ होता है इसको भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है और यहाँ पर माना जाता है कि शनिदेव जी प्रत्येक शनिवार को वास भी करने आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अब जो राशि के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा तो निकलेगा ही निकलेगा। आपके जीवन काल में कई दिशाओं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना।